शायद हर इंसान संदीप महेश्वरी के बारे में जानता होगा। ऐसा कोई नहीं होगा यूट्यूब पर जिसे संदीप महेश्वरी की आज तक भी वीडियो ना देखी हो। जो अभी अभी इनका जो सेशन चला है ना संदीप महेश्वरी का, ये इन्होंने सारे यूट्यूबर्स को बुलाया। इसके पीछे पता है इसके पीछे मेन रीजन क्या था? इसके पीछे मेन रीजन ये था कि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि आखिर बेस्ट कौन है। ये उनका तरीका था कि देखो भाई, अब मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा पर इनडायरेक्टली मैं सबको अपने खुद के शो पे इनवाइट कर रहा हूँ। ऑडियंस है वो उनसे सवाल क्वेश्चन पूछती है, जिसका जो यूट्यूबर उनके शो पे आता था गेस्ट बन के, तो वो उनका रिप्लाई देता था। पर उसके बाद संदीप महेश्वरी अपना रिप्लाई देते थे। तो मैंने जितनी भी वीडियो देखी है और मैं अपने अपना ओपिनियन दूँ, मैं सच्चे दिल से बताऊँ, तो जो संदीप महेश्वरी का रिप्लाई आता था, क्या बात है उसको, उनकी रिप्लाई इतना डीपली होता था, इतनी जड़ में जाके वो उसका आंसर करते थे कि सामने वाला बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता था उनकी बात से। तो ये होती है नॉलेज। एक तो संदीप महेश्वरी खास बात पता है क्या है कि जेन्युइन बात बोलते हैं, कि इनकी बात में कोई फेकनेस नहीं होती, ओरिजिनल बात होती है इनकी पूरी तरीके से। ये जो बोल रहे हैं वो ठीक है ना, कोई हवा हवा हवाई तीर नहीं मारते हैं, यानी ये भी नहीं करते मैं ये गाड़ी से आता हूँ, ये घोड़ा गाड़ी, ये कुछ नहीं, समझ दिखावा भी नहीं है, बिल्कुल अपना क्या है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, मस्त इंसान है। और जो है हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, ये कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ चीप रहे हैं। सारे यूट्यूबर्स को उठा के देख लो, मोटिवेशनल स्पीकर कुछ अपने पैसे बनाने की सोच रहे हैं, पर ये इकलौते ये महान क्यों है? महान इसलिए है क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा नॉलेज संदीप महेश्वरी के पास है। संदीप महेश्वरी की जितनी नॉलेज है इतनी किसी यूट्यूबर्स के पास, अभी इतने मोटिवेशनल स्पीकर इनको काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मैंने सारी वीडियो देखी है, एक एक पॉइंट को मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है, एक एक पॉइंट को मैंने काफ़ी डीपली समझा है। जो ये बताते हैं, इनके बताने का तरीका, इनकी नॉलेज बहुत गहराई तक पहुंची हुई है। दूसरी बात यह है कि ये अपने YouTube से एक भी रुपये नहीं लेते हैं। 27 मिलियन के करीब अभी मैंने चेक नहीं किया इतने के सब्सक्राइबर्स हैं YouTube पर ये बंदा आज भी एक भी रुपये YouTube से नहीं लेता। कौन होगा आखिर कौन होगा जो YouTube पर इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी एक रुपये ना ले? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो लोग बोलते थे कि मैं कुछ भी हो जाए पर मैं पान मसाले का ऐड नहीं करूँगा, पर फिर भी उन्होंने ऐड किया। काफ़ी लोग मानते हैं कि मैं डाउन भी हुई है पर उन्होंने गलती मानी है, पर बोलो भी भटक गए। तो ये कैसा इंसान है, इसको करोड़ों के ऑफर आए, करोड़ों के ऑफर आए, अगर ये मतलब इतना कहते कि मुझे इतना रुपये चाहिए तो लोग देंगे, क्योंकि इसकी इमेज इतनी हाई है मार्केट में, लोग इतने मतलब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि इनके कहने मात्र से ही यूट्यूब पर लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा रुपये दे देंगे। उनके संदीप महेश्वरी का मानना है कि मैं अपनी करोड़ों की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर कुछ लाखों का ऐड आ जाए उसकी वजह से मेरी करोड़ों की बात का क्या, तो बेकार हो गई ना, बेकार हो गई। मैं करोड़ों की बात बता रहा हूँ, वो एक लाखों के ऐड की वजह से उसमें दिक्कत आ गई। अब जब कोई देख रहा है सामने, जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ, संदीप महेश्वरी बीच में कोई ऐड आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, दिमाग यार यार क्या बेकार हो गया, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। तो संदीप ऐसे नहीं जाता है कि किसी जो जो एक्चुअल में वही वीडियो से कुछ सीख रहा है वो खुद के उसका दिमाग खराब हो, इसीलिए वो अपने यूट्यूब पर एड मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करता। तो ये एक मेन वजह है।